दोस्तों, अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता की जो लगभग 5 दशकों से दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट करते आ रहे हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर कहे जाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का आएगा, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नहीं बल्कि ढेर सारी सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। इसलिए तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के खास मेंबर कहे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ वाइफ और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनकी रियल लाइफ वाइफ और बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस मल्टी टैलेंटेड एक्टर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री से मिथुन दा और डिस्को डांसर का टाइटल हासिल करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1952 को बांग्लादेश में हुआ था और इसलिए इनकी पूरी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट हुई थी। वहीं अगर बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने साल 1976 में आई फिल्म मृग्या से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था और इनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसके बाद इन्होंने जल्लाद और किक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और फिल्मों के साथ साथ ये कई रियलिटी शोज के भी हिस्सा रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें लास्ट टाइम रियलिटी शो द ड्रामा कंपनी में देखा गया था। वहीं अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने साल 1979 में योगिता बाली के साथ शादी रचाई थी और आज शादी से इन्हें 3 बेटे महाक्षय चक्रवर्ती, नमाशी चक्रवर्ती और उष्मी चक्रवर्ती के साथ साथ एक प्यारी सी बेटी भी हैं, जिसका नाम दिशानी चक्रवर्ती हैं। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली के दूसरे पति हैं। इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से पहले किशोर कुमार के साथ अपना घर बसाया था, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से योगिता बाली और किशोर कुमार ने साल 1978 में ही एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था, जिसके अगले ही साल योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना। बता दें कि योगिता बाली भी प्रोफेशन से मिथुन चक्रवर्ती की तरह फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने 80 के दशक में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ आखिरी, बदला और ख्वाब जैसी कई फिल्मों में काम किया है और दर्शकों से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है। वहीं अगर बात करें इनके बच्चों की, तो महाक्षय चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती के सबसे बड़े बेटे हैं, जो अभिनेत्री मदालसा के साथ शादी के बंधन में बंधकर सेटल हो चुके हैं और आज ये फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें लास्ट टाइम फिल्म ही द ओनली वन में अभिनय करते हुए देखा गया। वहीं इनके मंझले बेटे उष्मी चक्रवर्ती फिलहाल शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, लेकिन ये फिल्म राइटर के तौर पर काम करते हैं, जिन्होंने फिर भी और लाइफ समवेयर जैसी फिल्मों को लिखा है, लेकिन ये अपने करियर में उतने सफल नहीं हो पाए हैं जितना कि उनके पापा ने फिल्म इंडस्ट्री से सफलता हासिल की है। अब बात आती है मिथुन चक्रवर्ती के सबसे छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती की, जो फिलहाल अभी सिंगल हैं। इन्होंने हाल ही में आई फिल्म आर्टिकल 15 से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा है और ये जल्द ही फिल्म बैड बॉय में भी अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसमें इनका किरदार बेहद रोमांटिक होने वाला है। वही बात करें मिथुन चक्रवर्ती की इकलौती बेटी दिशानी चक्रवर्ती की, तो आपको बता दें फिलहाल दिशानी चक्रवर्ती ने अपना घर नहीं बसाया है और इन्होंने हाल ही में अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है और अब खबरें हैं कि दिशानी चक्रवर्ती जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना कदम रखने जा रही हैं और इसमें इनका साथ देंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, आपको अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के इन चारों ही बच्चों में से कौन सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।